आमटाल निवासी कार्तिक गोराई की जमीन पर बीसीसीएल द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई, जिसके बदले जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। पिछले 23 वर्षों से बीसीसीएल के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते अपनी जमा पूंजी भी लुटा दी। उनका कहना है कि उनकी जमीन पर फर्जी लोगों को नौकरी दी गई है। इसकी सूचना प्रबंधन को देने के बाद भी जांच में प्रबंधन के द्वारा लापरवाही व टाल मटोल की गई है, जिसके विरोध में बेरा कोलियरी कार्यालय प्रांगण में 27 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। अब वे इस विषय की जांच सीबीआई से करने की कर रहे हैं। उसी बीच आंदोलन कर रहे कार्तिक गोराई से मिलने खतियानी आंदोलनकारी नेता जयराम महतो आए और उनका साथ मिला। अभी तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आपका मुझे लगता है कि इसको तो निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, क्योंकि कानून साथ में मेरा, सच्चाई साथ में मेरा, अच्छाई साथ में मेरा है और मैं यहाँ कोई गलत तरीके से नहीं बैठा हूँ और नहीं गलत मांग है मेरा। मेरा वाजिब हक जो मेरा किसान करके हम खाते थे, जो मेरा पूर्वजों लोग, उस लोग का जमीन अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, जिस आवाज में वो नौकरी दिया गया है, ये जरा सा अन्याय है, गलत है। और उसमें हमको बताया गया है कि मैं छोटा था, मैं छोटा नहीं था, 19 प्लस का था और मेरा उम्र 19 प्लस का है। मेरा साथ धोखाधड़ी किया गया है और दो नौकरी जो दिया गया था मेरे भाई और एक चक्रवर्ती को, उसके बाद बोला था 12-13 को नौकरी हो जाएगा, उसके बाद 12-13 को में हमको छाड़ दिया गया है और बाकी लोगों का हो गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।